इस पैसे को जो है मुख्यमंत्री कार्यालय भेजा जाएगा। दान मांग रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल, उन अधिकारियों के लिए जिनका सरकारी तनख्वाह से पेट नहीं भरता। गिरफ्तारी करें, जेल भेजें आप लोगों को। आपको परमिशन लेना चाहिए, आपको परमिशन देंगे नहीं। हमने हमने पहले जो है 14 तारीख को इनको दिया, हमने बोला मैंने दिया तो आप, आपको लाइसेंस मिला नहीं और आप राइफल लेके घूमने लगी। जिनका सरकारी तनख्वाह से पेट नहीं भरता उनके लिए अधिकार सेना ने मांगा भीख। नमस्कार, मैं हूं ज्योति प्रिया और आप देख रहे हैं मेरे साथ भारत मीडिया खबर बेलथुआ रोड बलिया से। स्थानीय तहसील के चकबंदी विभाग में भ्रष्टाचार इस कदर व्याप्त है कि आज अधिकार सेना ने तहसील में दान मांगकर चकबंदी अधिकारी को सुविधा शुल्क देते हुए विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार का विरोध किया। ज्ञात हो कि चकबंदी विभाग द्वारा शाहपुर टिटिहा में आजकल चकबंदी का कार्य चल रहा है। विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार और काश्तकारों के शोषण का सिलसिला शाहपुर टिटिया में रुकने का नाम नहीं ले रहा। अधिकार सेना के जिला उपाध्यक्ष सिंहासन चौहान ने आरोप लगाया कि एसीओ महेंद्र राम कानूनगो, ज्ञानेश श्रीवास्तव और चकबंदी लेखपाल मनोज यादव द्वारा उच्च न्यायालय के आदेश को ठेंगा दिखाते हुए मनमाने तरीके से सह खातेदारों को 1 किलोमीटर दूर चक आउट और आबादी की जमीन को पैसा लेकर दूसरे के नाम कर दिया है, जिसमें काश्तकारों की मर्जी को दरकिनार कर दिया गया है। अधिकार सेना के जिला उपाध्यक्ष ने कहा कि भ्रष्ट चकबंदी अधिकारियों का पेट नहीं भर पाता हो तो उनके लिए हम चंदा एकत्रित करके उन्हें देंगे। क्या समस्या है कि तहसील परिसर में आप एकत्रित हुए लोग, क्या दिक्कत है? हम अधिकार सेना से हैं। अच्छा। और अधिकार सेना का उपाध्यक्ष हूँ बलिया से। जी जी। बेलसा रोड प्रभारी भी हूँ और हमारे गांव में चकबंदी प्रक्रिया चल रही है। आपका कौन सा गांव है? शाहपुर टिटिहा। शाहपुर टिटिहा चकबंदी प्रक्रिया चल रही है और यहाँ पे सिर्फ पैसे वालों को चुनी गई है और इतना इनकी धोखाधड़ी की है, इतना इनकी जो है घालमेल किया हुआ है, इतना भ्रष्टाचार है। पैसे लेकर के लोगों के चेक जो है 3-3 किलोमीटर दूर तक फेंक दिए हैं। किसी का जहाँ पे ट्यूबवेल है उसका चेक उठा कर दूसरी जगह फेंक दिया गया, कहाँ से सिंचाई करेंगे? तो क्या आपके ही साथ ऐसा हुआ है, किसी और के साथ हुआ है ऐसा? नहीं, अधिकतर 300 से ज्यादा आपत्ति पड़ी हुई है। 300 से ज्यादा आपत्ति पड़ने का क्या मतलब है? या तो चकबंदी अधिकारियों को काम करना नहीं आता है या उन्होंने पैसे लेकर के इनकी ऐसा काम किया है। आप लोगों ने ज्ञापन दे दिया अभी कि देना है? ज्ञापन अभी नहीं दिया है, मगर जो हमें यहाँ पे धरना देना है इसके बारे में हम 14 तारीख को SDM महोदय को। ज्ञापन में मांग क्या है आपकी? मांग तो वही है कि हमारा जो पर्चा 23 है, आकार पत्र 23 है, जो इन्होंने गड़बड़ी की है उसको निरस्त करके नए सिरे से काश्तकार की मर्जी से चेक बनाए। काश्तकारों ने एक डिब्बे में तहसील में लोगों से चंदा इकट्ठा किया, कहा कि हम और चंदा इकट्ठा करके मुख्यमंत्री कार्यालय में जमा करेंगे जिससे इन भ्रष्ट अधिकारियों का पेट भर सके। विगत में एक सीओ चकबंदी रिश्वत लेने के वीडियो वायरल होने के बाद निलंबित भी हुए हैं। अभी हाल ही में शाहपुर टिटिया निवासी सोनी यादव, पत्नी स्वर्गीय राम प्रवेश यादव, विभाग के कर्मचारियों पर उसके पति को नौलदह दिखाकर उनकी जमीन जेठ द्वारा अपने नाम वरासत करने का आरोप संबंधी अर्जी SDM दीपशिखा सिंह को दिया था, जिसकी खबर भारत मीडिया ने प्रमुखता से चलाया था। आज अधिकार सेना ने चकबंदी विभाग द्वारा काश्तकारों के साथ की जा रही नाइंसाफी के खिलाफ तहसील परिसर में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में अधिकार सेना के जिलाध्यक्ष अवधेश ठाकुर भी शामिल हुए। वहीं अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए धरना में शामिल लोगों से बात की। इस अवसर पर प्रमुख रूप से राजू चौहान, सोनी यादव, पुष्पा, मंजू सिंह, रामकेवल चौहान, राहुल चौहान, लीलावती, अमित, लक्ष्मी श्रीराम, ओम प्रकाश चौहान, गोवर्धन यशविंद्र सिंह, दीनदयाल, आदर्श रामकरण आदि उपस्थित रहे। धन्यवाद, आप देखते रहें भारत मीडिया। बेलथुआ रोड बलिया से घनश्याम शर्मा की रिपोर्ट। वहीं सीओ चकबंदी ने बताया कि निशान किया जाएगा, कार्रवाई होगी सर। हाँ, कार्रवाई होगी। ये तो मैंने आज का अभी कहा है, इनका जो पहला एक महिला है जो कह रही है कि वरासत के संबंध में गलती, अगर आज का तारीख होगा तो आज ही इसका निस्तारण सुनने के लिए मैं तैयार हूँ, कोर्ट में जा रहा हूँ। कोर्ट में इनका तो बार बार आरोप है कि पैसा मांगा जाता है, कौन अधिकारी है को चिन्हित किया आपने जिसके लिए? मेरे की जो शिकायत है आपने भी सुना, इन्होंने आज तक मुझे मिला ही नहीं है तो कैसे मैं कब सुना होता? मेरे से खुद पैसे मांगे गए थे। ये आपने अभी सुना, इनसे आप लोगों के सामने में बात हो रही थी, रुक जाइए,
कभी इन्होंने मुझसे मिला भी नहीं है और इसके बारे में बताया ही नहीं, इससे मैंने जानकारी। देखिए सर, एसओ साहब से मिला था तो मैंने बोला सर ये मेरा चेक यहाँ से वहाँ कर दिया गया है, इसके लिए मेरे स्तर पर आई है, मैं ठीक करूँगा। उन्होंने क्या बोला कि भाई हमारे एक दिन का टाइम लगेगा, यानी कि हम आपको क्या लगता है इसमें भ्रष्टाचार हुआ है कि नहीं हुआ है? क्या इसमें जो जिसमें करे बिना जाँच किए हुए अभी बताया जाएगा भ्रष्टाचार हुआ तो न्यायिक जाँच क्या होगी या आदेश क्या होगा, मुकदमा के अंतर्गत है उसको पहले नहीं बताया जा सकता। सर ये जो गुलक लाए हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ जो जमा करने के लिए, इसमें आप कुछ देंगे? मैं क्या कह रहा हूँ इनकी बातों से मैं इससे नहीं समझता, मिशन से नहीं समझता हूँ। मिशन इनका क्या उद्देश्य है? मिशन का उद्देश्य सही है सर, धन्यवाद सर। थोड़ा इनके साइन कर दिए रिसीविंग का और आश्वासन हमें कितने दिनों तक का दे रहे हैं? मैं क्या कह रहा हूँ कि जो और प्रक्रिया मैं अभी थोड़ा निस्तारण में लग गया हूँ, जो प्रक्रिया न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत जो समय लगे समय बद्धता नहीं की जा सकती है, कोर्ट चलेगा सबूत आप देंगे तय करेगा और चेक आपत्ति के निस्तारण दिसंबर तक कर दिया जाए। जी आप इसमें लिख दीजिए, बाकी ऑफिस में मिल लीजिएगा। हाँ बताइए सर, सुने में ऑफिस में ऑफिस बराबर सुनी 2 बजे आइए सर, कुछ नहीं आज दे दें तो आज भी सुनाइए और यहाँ से आप लोग बात ठीक सर।